खंड दो, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। खंड दो में हम जीविका और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे या हम इस बात पर विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में वनवासियों, चरवाहा समुदायों और किसानों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए और इन बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया। आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ है, इस बात पर विचार करते हुए हम अक्सर कारखानों और शहरों पर और बाजार को आपूर्ति करने वाले औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों पर ही ध्यान देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहर दूसरी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि चरवाहों और वनवासियों, घुमंतू किसानों और खाने की चीज़ें बीनकर गुजर करने वालों की जिंदगी अतीत में ही कहीं अटक कर रह गई है। समकालीन विश्व के उदय का अध्ययन करते हुए उनके प्रति हमारा रवैया कुछ ऐसा रहता है मानो उनकी जिंदगी का कोई महत्व ही न हो। खंड दो के अध्याय में इस बात को रेखांकित किया गया है कि हमें उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वे अपनी दुनिया को कैसे व्यवस्थित करते हैं और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये लोग भी पूरी तरह उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें हम आज रह रहे हैं, वे गुजरे हुए जमाने के बचे खुचे लोग नहीं हैं। अध्याय चार में आप जंगलों की सैर करेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विविध समुदाय जंगलों का किस तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी में उद्योग और शहरों, जहाजरानी और रेलवे के उदय व विस्तार से लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के लिए जंगलों पर दबाव कितना बढ़ गया था। इन नई ज़रूरतों और मांगों के चलते जंगलों के प्रयोग से संबंधित कायदे कानून बदले गए और जंगलों के रखरखाव की एक नई पद्धति सामने आई। यह इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जंगलों पर औपनिवेशिक नियंत्रण कैसे कायम हुआ, कैसे वन क्षेत्रों को मापा गया, पेड़ों का वर्गीकरण किया गया और बागान विकसित किए गए। इन सारे परिवर्तनों से वन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय समुदायों की जिंदगी पर भी असर पड़ा। उन्हें नई व्यवस्था में काम करने और अपने जीवन को नए सिरे से संगठित करने के लिए विवश किया गया, लेकिन बहुधा उन्होंने इन नियमों और कानूनों के खिलाफ बगावत भी की और सरकारों को अपनी नीतियां बदलने के लिए बाध्य किया गया। इस अध्याय में आपको इस बात का अंदाज़ा मिलेगा कि भारत और इंडोनेशिया में इन परिवर्तनों का इतिहास क्या रहा है। अध्याय पाँच में भारत और अफ्रीका के पहाड़ों और रेगिस्तानों, मैदानों और पठारों में चरवाहों के पदचिन्हों को ढूंढने की कोशिश की गई है। इन दोनों क्षेत्रों में चरवाहा समुदाय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर भी हम बिरले ही कभी उनके जीवन का अध्ययन करते हैं। उनका इतिहास पाठ्य पुस्तकों के पन्नों में शामिल नहीं हो पाता। अध्याय पाँच में आपको पता चलेगा कि जंगलों पर स्थापित होते जा रहे नियंत्रण, कृषि विस्तार और चरागाहों के सिमटते जाने से उनके जीवन पर किस तरह के असर पड़े। इस हिस्से में आपको उनके आवागमन, अपने समुदाय के साथ उनके संबंधों और बदलते परिवेश के अनुरूप वह खुद को कैसे ढालते हैं इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। अध्याय छः में हम किसानों, काश्तकारों की ज़िंदगी में आए परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भारत, इंग्लैंड और अमेरिका की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। पिछली दो शताब्दियों के दौरान खेती को संगठित करने के तरीके में गहरे बदलाव आए हैं। नई तकनीक और नई मांगों, नए नियमों और कानूनों, संपत्ति के नई अवधारणाओं ने ग्रामीण दुनिया की शक्ल सूरत पूरी तरह बदल डाली है। पूंजीवाद और उपनिवेशवाद ने ग्रामीणों के जीवन को सिरे से बदल डाला है। अध्याय छः आपको इन बदलावों से परिचित कराएगा और इस अध्ययन से आपको एहसास होगा कि समाज के विभिन्न तबकों, अमीर गरीब, मर्द औरत, बच्चों और वयस्कों पर किस तरह के अलग अलग असर पड़े। जब तक हम विभिन्न समुदायों और समाजों के जीवन में आ रहे परिवर्तनों को देखना बूझना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे कि आज की दुनिया कैसे बनी है। साथ ही आधुनिकीकरण की समस्याओं को भी हम तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम उससे पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर विचार नहीं करेंगे। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानें जो जंगल की हैं। इस किताब का कागज़, मेज कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलोफेन रैपर, बीड़ियों के तेंदू पत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टैनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बाँस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं,
फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगलों से ही आती हैं। अमेजन यानी या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चरागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। एक, वनों का विनाश क्यों? वनों के लुप्त होने की को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। एक, एक जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। इसकी कई वजहें थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियावान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। बॉक्स एक, किसी स्थान पर खेती न होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नगारिंदजेरियो की अपनी जमीन की आकृति उनके पहले पूर्वज गुरुंदरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। ये जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। प्रति जमीन पर कब्जा करके उसे खेती योग्य बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा है। यही वह विचार था जिसने विजय को न्यायोचित ठहराया। अमरीकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्य अमरीका के हॉन्डुरस के बारे में लिखते हैं, आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए। क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या कि इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में ही रहने देना चाहिए जो उसके मूल्य को नहीं समझ सकता। ये मध्य अमरीकी एक सुसज्जित घर में अर्ध बर्बरों के गिरोह जैसे हैं, जो न तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और न ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमरीकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमरीका में केले उगाना आरंभ किया। इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। डेविड स्पर, द रेटरिक ऑफ एम्पायर, 1993 में उद्धृत। एक, दो, पटरी पर स्लीपर। ये नया शब्द है स्लीपर। रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत यानी ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज़ भला कैसे बन सकते थे।
और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाए रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थीं। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत थी। एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। स्रोत खै मुल्तान और सुक्कुर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई रेल लाइन बनाई जानी थी। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके लिए 10 फुट × 10 इंच × 5 इंच या 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 6 लाख स्लीपर की ज़रूरत होगी, या कि 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व एक मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 219,000 मन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की ज़रूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे। यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ टमरिस्क और झांड के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़ों हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपर की ज़रूरत होगी। ई पी स्टैबिंग द फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया भाग 2 1923। क्रियाकलाप: एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 तक स्लीपर की ज़रूरत थी। यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन की पटरी बिछाने के लिए एक औसत कद के पेड़ से 3 से 5 स्लीपर बन सकते हैं, तो हिसाब लगाकर देखें कि 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए कितने पेड़ काटने होंगे। 1-3 बागान: यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। 2 व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत: पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज़ और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेज़ों को जंगलों की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डायट्रिच ब्रैंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशविरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ब्रैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना होगा और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया, लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया, उनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए, इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नापजोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई।
उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें दो बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे, वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। क्रियाकलाप, यदि 1862 में भारत सरकार की बागडोर आपके हाथ में होती और आप पर इतने व्यापक पैमाने पर रेलों के लिए स्लीपर और ईंधन आपूर्ति की जिम्मेदारी होती तो आप इसके लिए कौन कौन से कदम उठाते? 2.1, लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सकें। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हों, इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। वन्य इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्भड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। सियादी, बहुहिरिया, वाहिली की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सैमूर यानी सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। वन अधिनियम के चलते देश भर में गाँव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोज़मर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते तो उनसे जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। नया शब्द वैज्ञानिक वानिकी, यानी वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। क्रियाकलाप, वन प्रदेशों में रहने वाले बच्चे पेड़ पौधों के सैकड़ों प्रजातियों के नाम बता सकते हैं, आप पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियों के नाम जानते हैं? 2.2, वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या तावी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड, झूम, पोडू, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए
सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। 2-3 शिकार की आज़ादी किसे थी? जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरण तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2,00,000 भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षक थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। 2-4 नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेजन के मुनदुरुकू समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। इजारेदारी यानी एक अधिकार। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपने जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतों दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ उतनी ही खराब। उन्हें उनके गाँव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। स्रोत गय। बैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई, तब उन्होंने सरकार को यह याचिका दी। हर रोज हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने को कपड़े नहीं है। आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं। हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वालों को भी उनकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती। वेरियर एल्विन 1939। माधव गाडगिल व रामचंद्र गुहा। दिस फिशर्ड लैंड एन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उद्धृत।
स्रोत घय पुतुमायो में रबड़ की निकासी। दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियां भयावह थी। अमेजन के पुतुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी ब्रिटिश में पेरुवियन साझे में द्वारा रबड़ की निकासी हुई तो उस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों के बेगार पर निर्भर थी। 1900 से 1912 के बीच पुतुमायो में 4000 टन रबर का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा, रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबड़ कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया है कि रबड़ का संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों का कत्लेआम शुरू कर दिया। थोड़ी देर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से जमीन ढक गई। खून से नहाए हुए, दया की भीख मांगते जिंदा बचे लोगों को मुर्दों के ढेर के साथ जला दिया गया। मैनेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूं जो रबड़ लाने के लिए दिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते हैं। निकोलस डर्क्स, संपादक, कॉलोनियलिज्म एंड कल्चर, 1992 में, माइकल ताउसिग, कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेथ। 3, वन विद्रोह। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 3-1, बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरियागोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हरेक गाँव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्यौहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं जिसे देवसारी, दांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगने यानी गांवों का समूह के गांवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 3-2, लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गाँवों को वनग्राम कहा जाने लगा। बाकी गाँवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गाँव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया, पहले 1899 1900 में और फिर 1907-08 में। वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में, त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा धूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गाँव-गाँव चक्कर काटने लगे। ये गाँव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गाँव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद दी। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों
और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाही, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर बस्तर में फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने यानी फरवरी से मई लग गया। फिर भी वे गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज़ उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक सालवनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें। जरा देखें कि इसी वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा था। उससे पहले 1947 में बस्तर रियासत को कांकर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया। 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र यानी घेरे से ही शुरू हुआ था और जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। स्रोत चै। भोंडिया ने 400 लोगों को इकट्ठा कर सारे बकरों की कुर्बानी दी जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी, और दीवान जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी को बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मारेंगा स्कूल जला दिया। केसलुर में लाइने व पशु अवरोधशाला और टोकापाल राजुर में भी एक स्कूल को जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया और एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने के बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए और उन्हें छोड़ दिया। भोंडिया माझी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोयर नदी का रास्ता लिया क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिलमिल्ली चले गए। बुद्धू माझी और हरचंद नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाली। डेब्रेट पॉलिटिकल एजेंट ने लिखा है, छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स का 23 जून 1910 को कमिश्नर छत्तीसगढ़ डिवीजन के नाम लिखे पत्र में ये लिखा गया है। स्रोत 6। बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था बताते हैं। कनकापाल के पोदियामी गंगा को उनके पिता पोदियामी तोकेली ने बताया कि अंग्रेजों ने आकर जमीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए जमीन ली जा रही है यह देख उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया। लड़ाई शुरू हुई, उसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों पर कोड़ों से मार पड़ी। मेरे पिता पोदियामी तोकेली को भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वे भागने में कामयाब हुए और बच निकले। यह आंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज उनको घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। हर एक गांव से 2-4 लोग जगदलपुर गए। चिदपाल के गार्गी देवा और मिखोला, माकी मिराज के डोल और अबराबुंदी, बालेरास का वादा पांडु, पालेम का ऊंगा और दूसरे ढेर सारे लोग। इसी तरह से नंदरासा के एक बुजुर्ग चेंद्रू ने कहा कि लोगों की तरफ पुर्निया थे, पालेम के मिल्ले मुदाल, नंदरासा के सोयकाल धुरवा और पंडवा माझी। हर परगना से लोग अलनार तराई इकट्ठा हुए। एक झटके में पलटन ने सबको घेर लिया। गुंडा धूर उड़ सकते थे इसलिए उड़ निकले, लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें। रात में लड़ाई होने लगी, लोग झाड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे। फौज की पलटन भी भागी, जो लोग जिंदा बचे किसी तरह अपने गांव घर पहुंचे। आइए अब इंडोनेशिया की तरफ चलते हैं। 4, जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था, और जैसा कि हम देखेंगे भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी।
इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहाँ डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा में लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। 4.1 जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करेंगे। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। 4.2 डच वैज्ञानिक वानिकी। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों के जंगल तक पहुंच पर बंदिश थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 280,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की ज़मीनों पर लगान दिया, और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लेंडोंग डिएनस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्क वॉन होजेनड्रॉप ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था, बटाविया के लोगों, चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो, मुझे जो तुम्हें बताना है, हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायन नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को, जिनकी जड़ें इस धरती में धंसी हैं, छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही जितनी ज़रूरत हो उतने व्यापारिक जहाज़ों को बनाने के लिए भी। इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेज़ी से उगते हैं जितनी तेज़ी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। डर्क वॉन होजेनडॉर्फ, पेलुसो रिच फॉरेस्ट्स पुअर पीपल, 1992 में उद्धृत। 4.3 सामिन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदुब्लातुंग गांव के निवासी सुरोंतिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उस पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेट कर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। 4.4 युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों को जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए।
इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल करना कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। 4-5 वानिकी में नए बदलाव। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे हैं, जिसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने उपनिवेशों की संपदाओं और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम न होते। दोनों विश्व युद्धों का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया व दूसरी जगहों के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और वन विभाग ने युद्धों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमकर वृक्ष काटे। क्रियाकलाप 1, जहां आप रहते हैं क्या वहां के जंगली इलाकों में कोई बदलाव आए हैं? ये बदलाव क्या हैं और क्यों हुए हैं? 2, एक औपनिवेशिक वनपाल और एक आदिवासी के बीच जंगल में शिकार करने के मसले पर होने वाली बातचीत के संवाद लिखें। प्रश्न, पहला प्रश्न, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया? मूल खेती करने वालों को, घुमंतू और चरवाहा समुदायों को, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को, बागान मालिकों को, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को। दूसरा प्रश्न, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? 3, सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताएं। रेलवे, जहाज निर्माण, कृषि विस्तार, व्यावसायिक खेती, चाय कॉफी के बागान, आदिवासी और किसान। 4, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित हुए?